कहाँ तक हो गया था अपना? दो रूल समझ चुके थे अपन, ये लिखा सामने नॉमिनल अकाउंट हो चुका था, नाममात्र का खाता। अब तीसरा अकाउंट आया अपना रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का आया तो वास्तविक खाता। बेटा इस खाते का संबंध अधिकतर किससे होता है? असेट से होता है, है ना? असेट से होता है, असेट में है ना, इसका रोल है डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो आ रहा है उसे डेबिट करो और जो जा रहा है व्यापार से उसे क्रेडिट करो। अभी आ रहे जा रहे क्या असेट्स होगी? ऐसा नहीं तो नवीन बिजनेस में आ रहा है तो उसको डेबिट कर दो, संजय गया उसको क्रेडिट कर दो, इंसान को नहीं करेंगे अपन, है ना? इसका रिलेशन असेट्स होगा। जैसे बिजनेस में आपने असेट्स खरीदी है, क्या खरीदी? असेट्स। असेट्स में क्या खरीदा? फर्नीचर खरीदा। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर। और हमने 10,000 रुपए का फर्नीचर खरीदा तो हमारे बिजनेस में फर्नीचर आया और आपने क्या दिया? 10,000 कैश दिया। तो क्या आ रहा बिजनेस में? फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट और क्या आ रहा बिजनेस से? टू कैश 10,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बी फर्नीचर परचेज। सेकेंड एंट्री में करता अपन मशीनरी बेची, बिजनेस से मशीन बेची तो बिजनेस से आपकी क्या मशीन गई? लाइक आपके बिजनेस में टीवी थी, आपने टीवी किसको बेच दी तो आपके वहां से क्या गई? मशीन में टीवी गई और क्या आया बेचने पे? कैश आया। तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आया है। कैश अकाउंट डेबिट कितने का आया? लाइक 5,000 रुपए का कैश आया और क्या गया आपके बिजनेस से? मशीन टू मशीनरी 5,000। नरेशन में हम क्या बता देंगे? बी मशीनरी सोल्ड, बेच दी गई मतलब सोल्ड हो गया। क्लियर है दोनों एंट्री? बेटा बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट, बिजनेस से जो जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो हमें ये पता होना चाहिए क्या आ रहा है क्या जा रहा है। ये रियल अकाउंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देख लो एक बार, इसको नोट कर लो। कर लो नोट बेटा। अब आगे कर लो। यहां तक तो अपने रूल हो गए, ये तीनों रूल अपने को क्लियर होना चाहिए बेटा। उसके बाद कुछ छोटी मोटी चीजें जहां पे आप गलतियां करोगे उन गलतियों को सुधारना है। चलो, ज्यादा एंट्री में पहली गलतियां जो नॉर्मली बच्चों से आती कि परचेस को नहीं समझ पाते। परचेस मतलब क्या? क्राय। टर्मिनोलॉजी में बताया था परचेस मतलब क्या है, किसे मानेंगे हम परचेस? जो बेचने के दो चीज लिखा रहा बता रहा मैं एग्जांपल में। पहला रहेगा गुड्स परचेस रुपीस 5,000 और यहां पे लिखते हैं फर्नीचर परचेस रुपीस
7000 7000 रुपए 5000 का स्टॉक परचेस करा है और 7000 का फर्नीचर परचेस करा है, किसे परचेस माने और क्यों माने? परचेस सर ये मानेगा ना, परचेस की डेफिनेशन निकालो चैप्टर फर्स्ट में, निकालो फटाफट, मतलब पढ़ो इसको, गलतियां नहीं करोगे तो फिर है टर्मिनोलॉजी निकालो उसकी। देखो उसमें परचेस का गुड्स व्हाट फॉर रीसेल है ना, तो किसे परचेस मानेंगे? जो बेचने के आदेश आते हैं, इन दोनों में से परचेस किसे माने? गुड्स, गुड्स को ही परचेस माना जाता है, इसको इन्वेस्टमेंट माना जाएगा ना, ओनली गुड्स की परचेस को ही परचेस मानते हैं, बाकी फर्नीचर फिक्स असेट्स खरीदी लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर मशीनरी तो इसे क्या माना जाता है? इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि बिजनेस में स्टॉक खरीदा, जैसे मेरी बुक स्टोर है तो मैंने बुक्स खरीदी होगी, क्यों खरीदी? ताकि इसको मैं वापस बेचूं, तो ये मेरे लिए स्टॉक है और ये क्या है? मेरे लिए परचेस मान जाएगी। अगर मैंने सोफा खरीदा तो परचेस नहीं, तो खरीदा बेचने के लिए थोड़ा ना, कई सालों तक चलेगा बिजनेस में, तो ये मेरे लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है। परचेस और इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो, तो जब भी स्टॉक गुड्स परचेस का आए तो यहां पर जनरल एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट, 5000 का परचेस करेंगे टू कैश, ये 5000 रुपए का, ठीक है। नरेशन में हम लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेस, आपने गुड्स खरीदा है, ठीक है, समझ जाना। एग्जांपल है, एक यहां पर है और एक यहां पर है, ये हो गई पहली एंट्री। फर्नीचर पे क्या एंट्री करें अपन, क्योंकि फर्नीचर है, फर्नीचर हमारी क्या है? फिक्स असेट्स है, ये इसी के नाम से डेबिट होगी। बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ये रियल अकाउंट में चला जाएगा। अभी कह रहा था अपन ने डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा डेबिट और क्या जा रहा बिजनेस से? कैश टू कैश, 7000 नरेशन में क्या लिखेंगे? बी फर्नीचर परचेस। तो यहाँ पे अपना पहला कंसेप्ट क्लियर हो, जहां पे गलतियां होती है केवल बेटा गुड्स की परचेस को ही परचेस की एंट्री मानेंगे। अगर हमने लैंड बिल्डिंग प्लांट फर्नीचर मशीनरी स्टेशनरी इस तरीके से कुछ और चीज खरीदी तो इनके नाम से ही डेबिट होगी। बिजनेस में क्या प्लस होगा? फर्नीचर, क्या माइनस होगा? कैश। सेकेंड, इसमें गुड्स सोल्ड ना रुपीस ना 6000, 6000 रुपए का आपने स्टॉक बेचा है तो क्या एंट्री होगी? क्या आ रहा बिजनेस में? बेचने पे कैश आता है, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या गया? गुड्स, गुड्स की परचेस को परचेस मानेंगे, गुड्स की सेल्स को ही सेल के नाम से जाएगा टू सेल, 6000 रुपए। नरेशन में क्या लिखेंगे? बी गुड्स सोल्ड। और अगर मैं यहां पे कर दूं मशीनरी सेल्ड, मशीनरी सोल्ड रुपीस 10000, 10000 रुपए की मशीनरी बेची आपने, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी इसकी। मशीन गई ना तो मशीन माइनस में, और क्या है हमारे पास? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी को माइनस कर देंगे टू मशीनरी 10000। नरेशन में लिखेंगे बी सर, जैसे कि उसका पेमेंट उसने चेक में कराया है तो जब भी वो चीजें बताऊंगा ना, नहीं चेक में नहीं, अब आगे करेंगे अपन मशीनरी सोल्ड। बस यहां पर ये गलती आनी हो आपको तो वापस ध्यान रखना सर, परचेस और सेल का रिलेशन किससे होगा? ओनली गुड्स रहेगा तो ही परचेस और सेल करेंगे। परचेस का नेचर डेबिट रहेगा, सेल्स का नेचर क्रेडिट रहेगा, क्योंकि परचेस में हमारे पास से कैश जाता है और सेल में केस आता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप असेट फिक्स असेट्स खरीदते बेचते तो इसी के नाम से डेबिट क्रेडिट होगी। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया तो प्लस करा, मशीनरी बेची तो मशीनरी गई तो माइनस करा। बस यहां पर
सबसे गलतियां होती है तो ये गलतियां ना, ठीक है, ये जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना तो ये गलतियां आपसे ज्यादा होगी। तो ये क्लियर है? कब आएगा परचेस और सेल? जब इसका, जब इसमें ट्रांजेक्शन किसका हुआ? खाली गुड्स का हुआ, है ना। अगर सर फिक्स असेट्स का ट्रांजेक्शन हुआ तो इसी के नाम से प्लस या माइनस होगी, ठीक है। उतार लो हो गया। अब चलो बेटा इसका प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट, चैप्टर 5 जर्नल है, जर्नल का ही प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट निकाल दो। निकालो फर्स्ट, चलो ये वाली बुक में रखो दो, इसमें दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है ना। ये तो तीन रूल थे, समझ गया। एक रूल मेरा और समझ लो, मेरा रूल जो मैंने बनाया है, बनाया नहीं क्या, लगा है बस एक लॉजिक सिंपल सा, कर लो ठीक है। माय रूल, ये मेरे रूल के हिसाब से चलोगे ना तो 90% क्वेश्चन तो हो जाएंगे। एक रूल सिंपल सा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, अगर केश आ रहा है तो केश डेबिट करो, ठीक है, आ रहा है तो डेबिट करो, और अगर केश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करना है ना, या फिर कैश बोला कैश को क्रेडिट करो। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर, अगर बिजनेस में कैश आ रहा है समझ में तो आता है कि सर कैश कब आएगा, जब हम सामान बेचेंगे, जब हमें किसी से पैसा मिलेगा, जब हमें कमीशन मिलेगा, जब हमें किराया मिलेगा, इस कंडीशन में कैश आएगा। तो इस कंडीशन में कैश आ रहा तो कैश डेबिट होगा दूसरे नंबर पे, है ना, जहां से मिला है, जैसे रेंट मिला है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट, सैलरी मिल रही तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी। बस हमें देखना कैश आ रहा है कि जा रहा है, सेल करने पे कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, क्लियर है। और अगर बिजनेस से कैश जा रहा है, कैश कब जाता, बहुत सारे है जाने के, लाइट का बिल भरा, टेलीफोन का बिल भरा, सैलरी दी, कमीशन दिया, किराया दिया, सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, कितने सारे खर्चे, परचेस के टाइम, इनके टाइम कैश जाता तो कैश नीचे आएगा, समझ गए छोटा रूल। इस रूल को कर लो, तीनों रूल का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा, हालांकि एग्जाम में ये नहीं लिखना, लेकिन इससे आपको जनरल एंट्री हो जाएगी, समझ गए। बस हमें इसमें क्या चीज समझना, सर कैश आ रहा है या आने वाला हो, बस इतना, कैश मिलने के कई सोर्सेस हो जाए तो ये एंट्री आपकी समझ में आएगी, हो जाएगा। इसके आपकी कॉपी के नीचे भी लिख लो, मतलब सर का रूल या ये रूल कर लोगे तो तीनों रूल, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, तीनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये रूल। बस इस रूल को थोड़ा सा समझ के करना, हाँ बोले आया तो क्रेडिट हुआ ना, हाँ। तो क्या लिखा है, ये नॉमिनल अकाउंट, जैसे रेंट मिला हमें, किराया मिला 5,000 रुपए किराया मिला, तो सर ये तो इनकम है, क्रेडिट होनी चाहिए, इनकम क्रेडिट होनी चाहिए ना, हाँ। तो क्या लिखा उसमें, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, सभी प्रकार के खर्चों और हानियों को डेबिट करना, हाँ। और ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, तो इनकम और गेन को क्रेडिट करना, तो इनकम क्या है हमारे पास, रेंट, हाँ। तो इनकम में तो रेंट तो क्रेडिट हो गया, तो रेंट, तो रेंट पे हमारे पास क्या आया, कैश, ये हो गई एंट्री, 5,000 लग गया यहाँ पे रूल, कैश आ रहा तो कैश को डेबिट करना है, तो क्रेडिट क्या होगी फिर, इनकम, क्योंकि कैश आ रहा तो इनकम के नाम से आ रहा ना, इनकम हमारी क्या, रेंट, क्लियर है। तो यहाँ पे कैश आ रहा तो डेबिट। अब जैसे गुड्स परचेस करा 5,000 का अपने, तो परचेस करके टाइम हमारे पास से कैश जाता है,
तो केस जा रहा तो केस को क्रेडिट करेंगे, जा रहा तो किसे डेबिट करेंगे, परचेस को। ये हो एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू केस, केस जा रहा तो क्रेडिट ना, केस को क्रेडिट करेंगे, बस केस आना चाहिए। ठीक है सर, केस को तो डेबिट करेंगे ना, देंगे ना केस को तो कहा देंगे, केस आ रहा है कि जा रहा है परचेस में, जाएगा जा रहा है तो केस माइनस होगा ना फिर। हाँ क्या लिखा, केस जा रहा है तो केस क्रेडिट करेंगे। हाँ केस को क्रेडिट करेंगे, ये जो नाम है ना केस, ये क्रेडिट होगा, बस ये चीजें समझना आपको। तो सर बैंक किस मतलब किस रूल पे चलती है वो, बैंकिंग ट्रेन ना इकट्ठा नहीं खा सकते ना, पहले करके खाइए। चलो पहले प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट निकाल लो, क्या लिखा है फर्स्ट में बुक में, उधर ध्यान दो। पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर क्या करना, सामान्य प्रविष्टि करना है। ये बिजनेस स्टार्ट करा, कैश लाकर गुड्स परचेस करा अमित से, डिपॉजिट करा बैंक में जमा करा है, फर्नीचर खरीदा है और गुड्स बेचा है, इन पांच लेन देन करे अपने बिजनेस के, इसकी हमें जर्नल एंट्री करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर लिख लो इस पे 138, हिंदी मीडियम में कुछ और होगा वो लिख लेंगे। हेडिंग आएगी पहले जर्नल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ, नाम नहीं दिया है अभी, खाली छोड़ देते इन द बुक्स ऑफ, बेटा बिना स्केल के तो सोचते मत अकाउंट पे तुम फॉर्मेट भी बना पाओगे। अरे बट नहीं लेगा, यदि नहीं हो तो बाय चांस। देखो डेट का कॉलम हो तो डेट लिखेंगे, इसमें डेट का कॉलम नहीं है, सीरियल नंबर का, तो क्या लिखो यहाँ पे सीरियल नंबर पे। फिर ये आती है हेडिंग पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का हिंदी में क्या होता है, विवरण, विवरण है ना। एलएफ, एलएफ का फुल फॉर्म होता है लेजर फोलियो, डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट का अमाउंट, और भी कॉलम बना सकते हैं, इनवॉइस नंबर, वाउचर नंबर का इधर, बट अभी एलएफ काफी है। फर्स्ट, पहले ट्रांजेक्शन से क्या समझ में आ रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है, बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, बिजनेस में आ रहा है, क्योंकि भैया मैंने अपनी दुकान में 5,000 रुपए लगाए, मेरी जेब से गए, लेकिन बिजनेस में तो कैश आया, हमें बिजनेस से मतलब है आपसे नहीं, बिजनेस में कैश आया ना, बिजनेस में कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश को प्लस करा। नीचे क्या लिखे, थ्योरी समझो, तू क्या लिखे बेटा नीचे, पढ़ो तीनों से पूछ रहा हूं मैं बेटा। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम बिजनेस में जो कुछ लगाया वो क्या कहलाती है, गुड्स, अबे कैपिटल होती ना। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम बिजनेस में हमने जो कुछ लगाया वो बिजनेस की कैपिटल होती है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिजनेस स्टार्ट करा केस, तो स्टार्ट करते टाइम लगाया, इसलिए क्या आएगा टू कैपिटल। पहली एंट्री ये रहेगी कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगी, क्यों होगी, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करते टाइम लगाया है ना, कितना लगाया है 6,000 रुपए हमने बिजनेस में लगाया, मतलब 6,000 रुपए बिजनेस की कैपिटल हुई है, बिजनेस को कमा के देना है मालिक को वापस 6,000 रुपए, है ना। नरेशन में क्या लिखेंगे, बी बिजनेस स्टार्ट करा आपने, बिजनेस स्टार्टेड हो चुका, इट स्टार्टेड विद केस, हमारी जेब से गया हमें कोई मतलब नहीं, बिजनेस में आया कि गया वो देखना बस, क्लियर है। हाँ। तो पहले हमारी कैपिटल की डेफिनेशन भी क्लियर हुई यहाँ पर। और ये भी अब अगली एंट्री में क्या है, गुड्स परचेस करा फ्रॉम अमित, अमित से आपने माल खरीदा है, कितने का, 2,000 रुपए का, कैश आया कि गया, अमित से माल खरीदा है तो गया है, गया है, गया तो नीचे कैश आना चाहिए,
तो ऊपर क्या आएगा, परचेस। परचेस क्योंकि गुड्स खरीदा है तो गुड्स हमेशा परचेस के नाम से आएगा। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश केस, क्योंकि इस कंडीशन में केस जाना चाहिए। कितना? 2000 रुपए का। एक मिनट है, क्या हुआ? अभी रुको बेटा, सामने रखो वापस, है ना, उतारना नहीं है, कुछ अपडेट करवाऊंगा ना। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश बी गुड परचेस, किससे खरीदा आपने? फ्रॉम अमित। अमित और कुछ चीजें बताई थी इसमें, नाम आ गया है, उधार करा, तो हम ये मानेंगे उधार खरीदा। तो सर कैश तो भी गया नहीं, लेकिन केस जाएगा 2 महीने बाद 3 महीने बाद, कभी तो आप उसको पैसा दोगे? क्योंकि जब 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 तक क्वेश्चन स्पेशली इनका है कि गुड्स परचेस करा फ्रॉम अमित बाय केश, तब तक हम उसको केश नहीं मानेंगे। इट मीन सर केश जाना चाहिए, केश जाएगा, इसलिए केश माइनस पे। और उधार ट्रांजेक्शन है, केश जाना है, तो केश की जगह किसका नाम आ जाएगा, हम उसके नाम पे चढ़ा देंगे टू अमित। ये समझाना पड़ेगा, परचेस से केस जाएगा या गया? गया तो सीधा केस को माइनस करेंगे, और जाएगा तो अभी गया नहीं, आपके पास केस पड़ा है, मतलब आपको किसी को पैसा देना है, देना है, तो इसे हम क्या करेंगे, जिसे पैसा देना वो हमारा क्रेडिटर्स। और हमने मैंने आपको बताया था ऑल लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, इसलिए अमित को हमने क्या करा, क्रेडिट करा। लिखेंगे बीइंग गुड परचेस फ्रॉम अमित है ना ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा है, इसलिए इसके नाम से ही हमने क्या करा, इसको क्रेडिट करा। क्लियर है? इस एंट्री को समझाना जरूरी था। अगर स्टॉक उधार खरीदा है तो कैश को क्रेडिट करने की जगह जिससे खरीदा है उसका नाम क्रेडिट करेंगे। क्लियर है बेटा? अगला, डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक में जमा करा, क्या जमा करा होगा बैंक में, कैश। तो कैश आया कि गया बिजनेस से? आया ना सर, आया, क्योंकि आपके पास बैंक ना, आपके पास 10,000 रुपए थे। अब भी हाल मान लो कि अभी मेरे पास 10,000 रुपए रखे बिजनेस में, ये बिजनेस है यहाँ पर, अभी आपके पास 10,000 रुपए रखे आपके बिजनेस के बॉक्स में। अब 10 में से आपने 5,000 रुपए बैंक में जमा करे, तो बिजनेस से कैश आया कि गया? गया, भले से आपके अकाउंट में, लेकिन माने जाएगा कि सर अभी तो कम हो गया कैश, बैंक में बढ़ गया, तो बैंक बैलेंस को बढ़ा देंगे, कैश तो गया। घर में आप 1,00,000 रुपए रखा, आपने 50,000 बैंक में जमा कर दिया, आप नहीं बोलोगे घर में 1,00,000 है, भले से 50,000 वो कहीं नहीं गया बिजनेस में ही है वो, लेकिन अभी हमारे पास से कैश नहीं है, तो कैश तो गया, तो कैश को क्या करेंगे माइनस, और बैंक को करेंगे प्लस। एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को प्लस करा और कैश को माइनस करा टू कैश। याद रखना कैश टू है ना, थोड़ा सा आगे लिखेंगे, इसकी सीट में मत लिखना है ना, थोड़ा सा आगे लिखेंगे। कितना है? 4,000 रुपए का। ये अपने आप हिसाब जुड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। नरेशन में क्या लिखेंगे? बैंक केस आपने जमा करा, केस डिपॉजिट बैंक डिपॉजिटेड करा है, इसमें इनटू बैंक, बैंक में जमा करा, हो गई एंट्री। अगला देखो क्या कहा, क्या करे भैया बताओ, एंट्री फर्नीचर खरीदा है, हाँ तो देखो नाम भी नहीं कहा, नगद भी नहीं कहा, जब नाम नहीं दिया हो खाली बोला कि खरीदा, तो हम क्या मानेंगे, नगद खरीदा, ठीक है, क्या एंट्री होगी? तो अपन सबसे पहले लिखेंगे फर्नीचर बचे, हाँ तो डेबिट करेंगे, हाँ और कैश क्रेडिट गए, बिल्कुल। क्या हुई जनरल एंट्री? ये परचेस अकाउंट डेबिट, अगर परचेस अकाउंट कब डेबिट करते हैं, केवल गुड्स से जब इसका संबंध होगा, फर्नीचर क्या हमारी फिक्स असेट, इसी के नाम से प्लस होगा, बिजनेस में क्या आ रहा है फर्नीचर प्लस फर्निचर, क्या जा रहा है कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, हाँ टू टू कैश, हाँ फर्नीचर अकाउंट डेबिट डेबिट टू कैश। अब गलती मत कर देना, 1,200 रुपए का,
नरेशन में लिख सकते हम बीइंग फर्नीचर परचेस, ये सभी अलग अलग कैटेगरी की बताई है इसने, है ना। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कैश लगाया बिजनेस ने, स्टॉक भी लगाते तो कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है। गुड्स खरीदा है हमने अमित से, उधार खरीदा है इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट, अमित को कैश देंगे हम, जाएगा कैश इसलिए इसके नाम से क्रेडिट हुआ, है ना। बैंक में जमा करा तो बैंक को प्लस, कैश को माइनस करा, है ना। फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर फिक्स असेट्स इसी के नाम से डेबिट या क्रेडिट होगी। परचेस और सेल कब आएगा, जब इसका रिलेशन स्टॉक से होगा, गुड्स से होगा, तो ही परचेस और सेल लेंगे क्वेश्चन में, इसमें सोल्यूशन में। अब हम प्लस माइनस देखते हैं कि कैश आपने बिजनेस में कितना लगाया था, 6000 था बिजनेस में, तो 6000 को हमने प्लस करा, इसके बाद आपके पास से 6000 में से 4000 आपने बैंक पर जमा कर दी, तो देखो कैश प्लस कैश माइनस एक ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। तो अब आपके बिजनेस में कितना है, 2000 कैश पड़ा है, 4000 बैंक में पड़ा, ठीक है। 2000 हमारे पास कैश था, 2000 में से आपने क्या करा, 1200 रुपए का और फर्नीचर खरीद लिया, तो कितना बचा, 800 रुपए आपके पास, है ना। समझ गए, तो यही हिसाब किताब है, जब आप बैलेंस चेक करोगे ना तो ऑटोमेटिक बता देगा 800 ही, समझे। वापस जाने को 6000 आपके पास कैश था, 6 में से 4000 हमने माइनस किया, बैंक में जमा करा, तो कैश प्लस में था, कैश माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस गया, 2000 रुपए बचा। 2000 अभी भी आपके पास बैंक में कैश पड़ा था, इस 2000 में से भी हमने क्या करा, फिर माइनस आ गया कैश, 1200 का हमने फर्नीचर खरीद लिया, तो 2000 में से 1200 और दे दिए हमने, 800 रुपए भी बचे बिजनेस में। अमित को भी देना, अमित की नगद दे देता तो सर, अभी कहा दिया अमित को, अभी दिया नहीं है, यदि दे देता तो ये प्लस हो जाता 2000, हाँ ये माइनस हो जाते ना, फिर क्या था, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्योंकि कैश जा रहा है हमारे पास, फिर और हो जाता माइनस, भला कितना हमारे पास कैश ही नहीं था, क्योंकि 800 रुपए तो कैश बचा, अभी 2000 कहां से दे दूंगा अमित को, ठीक है। हो गया, ये चार एंट्री करो, फिर एक एंट्री और करना, ये एंट्री तो आप कर लोगे, गुड सोल्ड फॉर कैश क्या आएगी, परचेस पर उस एंट्री को क्या लिखा है, गुड सोल्ड फॉर कैश, बेचा है, कैश आया कि गया, कैश आया, तो कैश डेबिट, दुकानदारो आपने सामान बेचा तो कैश आएगा कि जाएगा, आएगा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, हाँ कैश आएगा ना, तो क्या एंट्री करेंगे फिर, कैश अकाउंट डेबिट टू और गुड्स क्रेडिट, नहीं 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 परचेस और नीचे सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, है ना। हमेशा गुड्स परचेस, गुड्स करा तो परचेस डेबिट, गुड्स को सेल करा तो सेल क्रेडिट हो गई, है ना। करो भी एंट्री, ये हो गया पहला क्वेश्चन, वैसे जनरल एंट्री का पहला क्वेश्चन अच्छा, थोड़े मेहनत से कर लोगे ना तो हो जाएगी आगे, करो इसको। आखिरी एंट्री, टू सोल्ड बिंग गुड सोल्ड, गुड सोल्ड सोल्ड बेच दिया, एसओ एल डी, पांचवें नंबर की एंट्री देखो, गुड सोल्ड करा हमने, नगद बेचा 1800 रुपए का, आपके पास कितने था अभी, 800 रुपए, 1800 का सामान बेच दिया तो सर कैश आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, डायरेक्ट तो सेल्स अकाउंट आएगा, बेचा है कितने का, 1800 का सामान बेचा है, बेच देने के बाद ये एंट्री होती है, मतलब ये क्या हो गया, पास्ट टेंस में चले गया, नरेशन में क्या जाएगा, बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है, ये होगा। अब इन सबका टोटल करेंगे, टोटल देखो 6000, 2000, 8000, 8000 के बाद कितना है, 1200, 4000, 2 एंट्री कराया होगा ना, 6 और 2 8000, 8 के बाद 4 12000, 12000 और फिर 1200, 13200 और 1800, कितना हो गया टोटल, 15000। तो नीचे आप टोटल करोगे,
टोटल बेटा दोनों साइड का टोटल बराबर होना चाहिए, जनरल एंट्री का दोनों साइड का टोटल बराबर होता है 15,000, दोनों का टोटल होगा, क्वेश्चन हो जाएगा। उतार लो, उतार लिया। हो गया ना क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अरे फॉर्मेट बनाना मत, कोई पहले समझोगे। चलो निकालो क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखो क्या कहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। पा बेटा हिंदी मीडियम में इंग्लिश में पढ़ोगे, इंग्लिश में इसलिए क्वेश्चन आपको दोनों में दे रखे हिंदी मीडियम को। सेकेंड निकालना है, सेकेंड नहीं निकाल पा रहे क्वेश्चन। क्या निकाल लिया? बीआरएस। क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो इंग्लिश में भी लिखा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अंकित। अंकित की बुक में आपको जर्नल एंट्री करना है, मतलब आपको ना अंकित आपका कुछ लेन देन है बिजनेस में, तो हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ अंकित। अंकित की बुक में जर्नल एंट्री करना है। सबसे पहले अंकित ने बिजनेस स्टार्ट करा था कैश लगाकर 8,000 रुपए। बिजनेस में कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट कितना कैश आया 8,000 प्लस। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम कैश लगा, इसलिए 2 कैपिटल, ये हो गया 8,000 रुपए का। नरेशन में लिखेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। सेकेंड एंट्री में क्या कहा है? बोलो एंट्री फटाफट। नगद माल मांगा। हाँ, परचेस करा गुड्स कैश में, क्या एंट्री हुई? तो अपने परचेस हो जाएगी वो डेबिट हो जाएगी। हाँ, डेबिट। हाँ, और कैश क्रेडिट। बिल्कुल सही है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना अमाउंट? 700 रुपए का। देखो बिजनेस में 8,000 थे, इसमें से आपने 700 रुपए का तो परचेस कर लिया ना। नरेशन में क्या हुआ? बीइंग गुड्स परचेस। थर्ड एंट्री रमेश को माल बेचा। नाम आ गया तो उधार है ना, बेचा है आप अंकित, तो आपने रमेश को सामान बेचा है, तो उससे कैश लेना है कि देना उसको? बेचा है तो कैश लेना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने बेचा, हम दुकानदार हम दुकान निकले, तो अब नाम आ गया तो उधार है। टू रमेश आ जाएगा है ना, कहाँ से रमेश जाएगा? टू। इधर ध्यान से सुनो सर, कैश लेना उससे कैश लेना, तो कैश आ रहा है तो कैश डेबिट है ना, तो अगर नगद बेचते तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि परचेज डेबिट होती तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होगी, क्लियर है? तो अब उससे कैश लेना है तो कैश अकाउंट की जगह उसका नाम आ जाएगा डेबिट में ना, रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने का बेचा? 300 रुपए का। रमेश को 300 रुपए का सामान बेचा है तो रमेश से कैश लेना है। नरेशन में कर देंगे बीइंग गुड्स आपने सोल्ड करा, उधार बेचा ऑन क्रेडिट, क्योंकि आपको पता सर अगर नगद बेचते तो उससे नगद आता, कैश आता तो हम डेबिट करते, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, लेकिन अब कैश आ नहीं रहा, लेकिन आने वाला है, जिससे आएगा उसका नाम आप डेबिट करोगे, क्योंकि जिससे कैश लेना वो हमारा डेटर्स, और डेटर्स क्या होता है? डेबिट, और क्रेडिटर्स क्रेडिट होता है, तो डेटर्स हमारा डेबिट रहेगा। हर तरीके से रूल पता होना चाहिए आपको, हो जाएगा? अगर उधार बेचते तो कैश पे क्रेडिट हो जाता, नाम आ जाता। फिर क्या है?
बाउट गुड्स फ्रॉम अमन, अमन से खरीदा है, नाम आ गया उधार ट्रांजेक्शन, क्या एंट्री होगी? नगद खरीदते तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, उधार खरीदा परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स का नाम, ये आ गया परचेस अमन आ रहा है टू अकाउंट डेबिट टू अमन, नरेश में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स हमने खरीदा परचेस करा है ऑन क्रेडिट, उधार खरीदा ना, कितने का खरीदा? 300 रुपए का, 1000 एक एंट्री हो जाएगी। क्या कहा उसके आगे? फर्नीचर खरीदा है परचेस करा है, कैश आया कि गया? कुछ नहीं कहा तो नगद खरीदा होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और कैश गया तो टू कैश, कितना? 160 रुपीज का फर्नीचर परचेस। नरेश में लिख देंगे फर्नीचर परचेस, क्लियर है? वापस से ध्यान देना, आप का नाम है अंकित और आपने चालू करा, बिजनेस चालू करा तो बिजनेस में आप कितना लाया था? घर से 8000 रुपए, तो घर से लाए आपके पास से 8000 रुपए बिजनेस में कैश आया, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पैसा लगाया इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, है ना? दूसरा, इस 8000 में से आपने 8000 खाली दुकान में रख के बिजनेस नहीं करोगे, सामान तो लाओगे, इस 8000 में से आपने 700 रुपए का स्टॉक लाए दुकान में, भरा 700 रुपए का कैश भरा, तो कैश गया आपके पास से परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश को माइनस करा, तो हमारे दुकान में कितने का? 700 रुपए का स्टॉक है, और कैश कितना पड़ा होगा आपके पास? 7300, क्योंकि 700 रुपए का हमने स्टॉक लिया है। अभी 700 रुपए के सामान में से हमने 300 रुपए का सामान किसको बेचा? रमेश को, उधार बेचा तो अभी रमेश से पैसा नहीं आया, लेकिन आएगा, इसलिए रमेश को आएगा तो डेबिट, है ना? रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, परचेस डेबिट होती सेल्स क्रेडिट होगा, नाम कहां पे बदलेगा? कैश या नाम आएगा, लेना उससे भी आएगा, नगद आएगा तो कैश को प्लस करेंगे, और आने वाला होगा तो जिससे आएगा उसका नाम प्लस कर देंगे, है ना? नगद जाएगा तो कैश को माइनस करेंगे, या नगद जाने वाला होगा तो जिसको देंगे कैश, जहां जाएगा उसका नाम क्रेडिट होगा, ठीक है? ये लिखा अमन से परचेस करा, देखो यहाँ पे नगद परचेस करा तो टू कैश, उधार परचेस करा तो टू अमन, ठीक है? तो परचेस फिर हमने क्या करा, 700 में से 300 का स्टॉक हमने बेच दिया था, 400 का बचा था, 1000 का स्टॉक हमने और खरीद लिया, 1400 रुपए का स्टॉक हो गया हमारे पास, क्लियर है? फिर फर्नीचर खरीदा हमने, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, नगद खरीदा इसलिए कैश गया, ये जनरल एंट्री, ठीक है? 5 एंट्री उतारो आगे की और कर लेते हैं, कितनी है इसमें एंट्री टोटल? 8, 3 एंट्री और बाकी है, करो फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड था, बाकी 3 एंट्री अभी कर सकते हो, करो। बेचा है नगद बेचा, उधार बेचा, पहले समझेंगे, सबसे पहले समझना माल बेचा तो कैश आएगा कि आएगा, आएगा तो कैश डेबिट होगा, ठीक है? और आने वाला होगा तो कैश की जगह उसका नाम डेबिट होगा। नगद बेचा, उधार बेचा है, इसलिए माल बेचा है, बस तो माल बेचा है, तो नाम तो लिखा नहीं, नाम नहीं लिखा तो मानेंगे नगद बेचा है, है ना? जो नगद बेचा है तो फिर कैश आया है, तो क्या एंट्री हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू 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 परचेस, अबे बेचा है, बेचने को क्या बोलते हैं? सेल्स, एस एल ई एस, सेल्स, और नरेश में लिखेंगे गुड सोल्ड, इंग्लिश में पढ़ लो, उसमें लिखा बेचा है मतलब सेल हुआ, खरीदा मतलब क्रय हुआ, परचेस हुआ, कर बेचा है सर, बेचा है तो परचेस आएगा ना,
परचेज मतलब खरीदना होता है भाई। क्या लिखा है? मत घबरा मत घबरा, गुड्स सोल्ड है ना, सेल हुआ, ये लिखा परचेस। परचेस लिखा ना स्पेशली, कहेगा स्पेशली ये परचेस है, ये क्या है सेल है, तो सेल है बेचा है मतलब है ना, सामान बेचा आप दुकानदार हो, आपका सामान बेचा है, तो बेचने पे कैश आएगा, एंट्री क्या हो जाएगी छठे नंबर की, कैश आया है सर, कैश अकाउंट डेबिट और टू सेल्स, ये सेल्स सोल्ड का अकाउंट क्या बनता है, सेल्स के नाम से बनता है सेल्स। नरेशन में लिखेंगे बी गुड सोल्ड, सोल्ड बेच दिया, सेल का अगला फॉर्म क्या होगा, पास्ट का सोल्ड हो जाएगा थर्ड फॉर्म, गुड सोल्ड। कितने का सामान बेचा है, 500 रुपए, 500 रुपए का बेचा मतलब 500 कैश आया है और सेल मतलब स्टॉक कम हो गया है। अब अगली एंट्री क्या है, बैंक में जमा किया, क्या होगी एंट्री जल्दी बता, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक प्लस होगा, बस ये हो गई एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना 2000 रुपए। नरेशन में बैंक कैश डिपॉजिट करा आपने इनटू बैंक, बैंक में जमा करें, एंड आखिरी एंट्री क्या है, दुकान का किराया दिया, पेड रेंट फॉर शॉप, हाँ अब तो दुकान का किराया दिया है, हाँ तो क्या एंट्री होगी, तो मतलब आपने एक बार से कैश तो गया, हाँ, हाँ तो कैश तो सब नीचे आ गया, तो ऊपर क्या आएगा, टू रेंट, अरे टू तो नीचे, कैश तो नीचे आएगा, टू कैश में किराया, आपकी दुकान है, आपने किराए की दुकान थी, मकान मालिक आया उसको आपने किराया दिया, टू रेंट आएगा, अरे कैश आया कि गया, आया दिया तो गया, गया ना तो गया मतलब सर कैश गया, कैश गया मतलब कैश माइनस, तो ऊपर क्या आया, पेड रेंट, रेंट का अकाउंट बनेगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, बेसिक इतना तो समझ जाओ सर, नीचे कैश आया तो ऊपर क्या है, हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, तो एक्सपेंस क्या है, रेंट खर्चा है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और जो गया कैश बिजनेस से जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, ये हो गया। नरेशन में लिखो आपने क्या करा, बैंक रेंट चुकाया, पेड किया आपने, क्लियर है, कितना अमाउंट बोलो, 140। अब सबका टोटल कर लो, आठों का, आठों का टोटल कितना होगा, टोटल देखो, टोटल 12,800, दोनों साइड का टोटल 12,800 होना चाहिए, बड़ा ध्यान समझना, अकाउंटिंग कैसी एक्टिविटी से प्रोफेशनल पेशेवर व्यक्ति, पेशेवर व्यक्ति का मतलब क्या होता है, जो सर कर करके बोर हो जाता है और उससे पारंगत हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल एक सैलून वाले को देखो, वो क्या करता है, कटिंग दाढ़ी बनाता है और दिन भर बनाता रहता तो एकदम परफेक्ट हो जाता, बात करते करते भी बना लेता है, कॉन्सेंट्रेशन से अलग है ना, कोई भी काम इतनी बार कर लोगे वो एकदम उसमें परफेक्ट हो जाओ, आपको प्रोफेशनली करना है, क्योंकि आपको इन फ्यूचर किसी कंपनी में आपको अकाउंटेंट रख लिया, आपकी एक गलती उसका हिसाब किताब गड़बड़ कर देगी, पैसे का जोलजाल कर देगी, तो कोई व्यक्ति अकाउंटेंट है फाइनेंस मैनेजर से तो ये क्या रखेगा, खुद प्रोफेशनली रखेगा, ऐसा नहीं कि पढ़ लिया पास है रिजल्ट नहीं देखेगा, यहाँ पे आपका नॉलेज देखेगा, तो एंट्री गलती नहीं होनी चाहिए हल्की सी भी, अगर आपने फर्नीचर परचेस करा, फर्नीचर की जगह आपने परचेस अकाउंट डेबिट कर दिया, तो कितनी बड़ी गलती होगी आपकी, क्योंकि परचेस का रिलेशन किससे होता है, स्टॉक का, मतलब आपने क्या बता दिया कि हमारे पास स्टॉक बढ़ गया, जबकि फर्नीचर हमारी फिक्स एसेट है, तो हमें क्या लिखना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये गलती नहीं हो, प्रैक्टिकल लाइफ में आप रियल जिंदगी में भी करोगे एंट्री को, इसलिए एकदम परफेक्ट करना अभी से आपको, ये करो ठीक है, बाकी अब कल देखेंगे, हो सके तो क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ होमवर्क में करके लाना।